हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टार्टर मोटर खोले हैं, ठीक है। और ये 4018 टाटा का जो गाड़ी होता है उसी से निकाले हैं। अभी मैंने इसको खोल करके पूरा साफ उफ कर दिया है, अभी मैं इसको फिटिंग करूंगा। तो आज हम जानेंगे कि जो मोटर होता है स्टार्टर मोटर, उसको कैसे फिट किया जाता है, क्योंकि अभी सारा कुछ जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। और कौन क्या है, किसका नाम क्या है, किसका काम क्या है, ये अगर जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक एक पार्ट के बारे में मैंने बता दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अब मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ। ये हो गया आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर को सबसे पहले फिट किया जाता है, ये देखिए, ये है सेंटर प्लेट, ओके। इसमें एक बुश लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये बुश है, ओके। और इसको बुश जो है सेटिंग करने से देखा जाता है कि प्ले थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्ले हो जाएगा तो जो हमारा आर्मेचर है वो बॉडी में टच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको फिटिंग कर रहा हूँ। देखिए, इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा करके, देखिए ये थोड़ा सा मोबिल है, ओके। ये ऑयल हो गया और ये ग्रीस, ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा लगा करके ताकि वो एकदम परफेक्टली काम करे, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे एक ग्रीस लगा दे। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं जहाँ ग्रीस लग रहा है, यहाँ पे लगता है बेंडेक्स, ठीक है, जो जिसको बोला जाता है पिनियन, ये है, देखिए यहाँ पे ये है वो पिनियन, ये है, ठीक है, यही उसमें लगेगा, इसीलिए इसको ग्रीस लगाया जा रहा है। देखिए, देखिए ये हो गया पिनियन, ठीक है, इसको बराबर घूमता है ये, इसमें थोड़ा सा ऑयल दे दिया गया है ताकि ये बराबर काम करे एकदम परफेक्टली। ये देखिए, ठीक है, अब क्या होगा, इस पे जो है लॉक लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो आप घाट देख रहे हैं थोड़ा सा, इसमें लॉक जो है वो फिट होता है, देखिए वो अभी ये लॉक है, देखिए ये लॉक जो है नीचे चला गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और एक और होता है, देखिए यहाँ पे ये लग रहा है, देखिए ये, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा बुश से मार दिया जाएगा तो आसानी से चला जाएगा अंदर, देखिए ये चला गया। ये जो है वो जो घाट है, ठीक है, उसी में जा करके ये बैठ जाएगा, देखिए ये बैठ गया। और इसके बाद देखिए ये इसको थोड़ा सा दबा दिया जाएगा ताकि परफेक्टली उसमें बैठ जाए। ठीक है, और देखिए ये जा करके इसमें बैठ जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये एकदम बैठ गया, और बैठने के बाद ये जब लॉक फिट हो जा रहा है तो इसको घुमा करके देख लेना है, ये घूम रहा है ना, अगर घूम रहा है तो ठीक है, अगर नहीं घूम रहा है तो उसको सही से बैठाया जाएगा। देखिए ये जो है, अब देखिए ये कितना अच्छा इसमें घूम रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो है हाउसिंग में फिटिंग होगा, ठीक है, ये हाउसिंग है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बुश है, यहाँ पे भी एक बुश लगाया हुआ है, ये हम अभी बुश फिट कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये बुश हो गया, ओके, ये बुश भी थोड़ा सा भी प्ले नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली होना चाहिए। थोड़ा सा जो ऑयल होता है उसमें दे दिया गया ताकि वो जब घूमे तो क्लियरली एकदम घूमे। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ग्रीस अभी लग रहा है, यहाँ पे लगता है फ्रॉग्ड, ठीक है, देखिए वो यहाँ पे है, ये फ्रॉग्ड है, वो
वहीं पे लाएगा, इसीलिए वहाँ पे गिरीस थोड़ा सा दे दिया गया। देखिए लग गया, अब ये देखिए ये एकदम थोड़ा सा रुकना चाहिए उसमें जाके, एकदम ये जो फ्रॉक्ड है वो एकदम देखिए ये थोड़ा सा हम ठेले बस अंदर चला गया, ठीक है। और देखिए ये एकदम क्लियरली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ये फ्री हो, नहीं, और ये एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ये ज़्यादा फ्री घूम रहा है, थोड़ा सा इसको हल्का सा बस देखिए ये थोड़ा सा मार दिए, और ये देखिए ये अभी भी थोड़ा सा, अब देखिए देखिए हाँ अब एकदम जा करके ये परफेक्ट हो गया। और इसको लगाने के समय में ये देखिए इसमें भी बहुत सुई होता है, देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान दिया है, ठीक है। और ये जो एरो का निशान है ये बाहर की तरफ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए ये एरो का निशान है, और जिधर पिनियन है मतलब जिधर घाट ये सब दिख रहा है उधर होना चाहिए। ये देखिए ये एरो का निशान है और ये रहेगा बाहर, यानी ये जो एरो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये जो है इसमें फिटिंग होगा, ये देखिए ये जो है जाकर के क्लियरली बैठ गया, ठीक है। देखिए ये हुआ फ्रॉक्ड, ये अंदर में जो देख रहे हैं वो अभी जो हमने फिट किया है फ्रॉक्ड वो है, ओके। और इसके बाद से ये देखिए ये है एडजस्टिंग बोल्ट, ये देखिए ये जो है ये है एडजस्टिंग बोल्ट, इसको बोला जाता है एडजस्टिंग बोल्ट। जो फ्रॉक्ड में जो होल आप दिख रहे हैं यहाँ पे होल बीच में एक बोल्ट लगाने का जो होल था, यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे भी एक एरो दिया हुआ है, ठीक है। और वो देखिए अंदर में जो फ्रॉक्ड आपको जो दिख रहा है, देखिए वो फ्रॉक्ड है अंदर में जो वहाँ पे दिख रहा है फ्रॉक्ड, उसी होल में ये बोल्ट जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बोल्ट को आप देख लीजिए बढ़िया से, ये देखिए बोल्ट जो है ये एक तरफ कटा हुआ है, यानी ये जब टाइट होगा, जब इसको हम फिटिंग करेंगे इसमें, तो जो फ्रॉक्ड है वो जब टाइट होगा ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक एरो दिया हुआ है, ये देखिए बोल्ट में एरो दिया हुआ है, ठीक है। जो मिडिल में यहाँ देखिए मिडिल में एरो दिया हुआ है, ये एरो और ये जो एरो है ये दोनों बराबर होना चाहिए ऐसा, ठीक है। दोनों तरफ जो बोल्ट का एरो है और हाउसिंग का वो दोनों मिलना चाहिए, तब जाके ये मोटर जो है परफेक्टली फिटिंग होगा, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो इससे क्या होता है कि जब ये हम फिट कर रहे हैं तो जैसे ये दोनों एरो जब आपस में जब मिल जाता है तो जो फ्रॉक्ड है वो थोड़ा सा अंदर हो जाता है, ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा बाहर रहता है, इसीलिए ये एरो दिया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रीस दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो है अंदर बाहर होता है, ठीक है। ये देखिए इधर से दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है, दोनों होल मिलेगा तब जा करके लगेगा, देखिए देखिए वो लग गया, देखिए वहाँ पे लग रहा है, ठीक है, देखिए देखिए आ गया, ये देखिए इसको लाइट किया जा रहा है, देखिए अभी ये एरो दोनों बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर चलता है लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा। तो ये हमारा अब हो गया हाफ असेंबली, इसको बोला जाता है हाफ असेंबली, मतलब सेल्फ का यानी स्टार्टर मोटर का इतना फिटिंग करने के बाद बोला जाता है ये हो गया हाफ असेंबली फिटिंग, ओके। ये देखिए एक रबड़ दिया हुआ है यहाँ पे, ये रबड़ इसमें बैठेगा, ठीक है, ये देखिए इसके लिए जगह दिया हुआ है, ये देखिए ये जा करके परफेक्टली उसमें बैठ गया, ठीक है। जो घाट इसमें दिया हुआ है वो जा करके एकदम परफेक्टली बैठ गया। इसके बाद से लगता है बॉडी, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है बॉडी,
पहले से इसमें कार्बन बर्फ सब लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बॉडी में ये किनारे में देखिए यहाँ पेपर लगा हुआ है, ठीक है, फाइबर का पेपर। देखिए ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ये एकदम क्लियरली दिख रहा है, ये चारों तरफ पेपर लगा हुआ है, ओके। और ये हो गया मेन जो जाता है, जो बोल्ट में लगता है सोलेनोइड स्विच का, ये वायर हो गया। और ये दोनों हो गया, जो पॉजिटिव का कार्बन होता है ये है, ठीक है, ये दोनों। और निगेटिव का जो कार्बन होगा वो रॉकर में होगा। देखिए यहाँ पे ये रॉकर में दो कार्बन है, ये हो गया निगेटिव का और ये हो गया पॉजिटिव का, ओके, ठीक है। देखिए अब ये बॉडी जो है हम फिट करेंगे, और बॉडी फिट करने से पहले देखिए यहाँ पे एक रबर लगता है, ये रबर, ठीक है, देखिए ये रबर हो गया कि पानी वानी अंदर नहीं जाने के लिए। अब हम इस बॉडी को फिट करेंगे इसमें, ये देखिए ये बॉडी फिट हो गया। बॉडी में जो लगा हुआ था इसको क्वाइल बोला जाता है, ये देखिए बचा हुआ, ये अब जाकर के बैठ गया पूरा क्लियरली, ओके। अब देखिए अब एक और रबर होता है, देखिए यहाँ पे ये रबर यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो कटा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे ये कटा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे जो सोलेनोइड स्विच लगेगा उसके लिए, ठीक है। ये अब ये देखिए यहाँ पे जो है एक ये पाइप जैसा जो है ये प्लास्टिक का, उसको यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ भी ये पाइप लगा दिया जाएगा, तो क्योंकि जो कार्बन जो इसमें फिटिंग होगा जब रॉकर में तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें सट भी रहा है पॉजिटिव तो वो रोक लेगा, क्योंकि ये बॉडी में टच नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसके बाद से हम रॉकर को फिट करेंगे। देखिए ये हो गया रॉकर, ओके, ये देखिए रॉकर जो है फिट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो कार्बन अभी लगा हुआ है रॉकर का, ठीक है, और दो कार्बन एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये अभी हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए एक पॉजिटिव का कार्बन जो है वो फिट हो गया, अब ये दूसरा जो है पॉजिटिव का ये भी इसमें फिट होगा, देखिए। ये जा करके पूरा क्लियरली एकदम बैठ गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दोनों जगह पेपर दिया जाता है जो फाइबर का होता है, देखिए यहाँ पे ये जो है फाइबर का पेपर है, ये सिर्फ पॉजिटिव पोल यहाँ होता है कार्बन, जो पॉजिटिव कार्बन होता है ना वहाँ पे इसको दिया जाता है, क्योंकि ये जो रॉकर का जो कैप लगेगा तो उसमें टच नहीं होने के लिए। का है एक लोहा का है और एक यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो है ये फाइबर का है, जो लोहा वाला है उसको हम नीचे में फिट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये लोहा का है और ये इसको मैंने नीचे कर दिया है, और जो फाइबर का है उसको ऊपर से मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए उसके बाद से ये रॉकर कैप लगेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो जगह आप देख रहे हैं वाइट वाइट ये ठीक है, ये एकदम बढ़िया से सीरीज कागज से इसको साफ किया जाता है, क्योंकि यही जो है कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पे, और इसमें जो है ग्राउंड का मेन मतलब ग्राउंड का जो
वायर है, मोटा वायर बैटरी से जो गया है यहीं पे लगा होता है, और वो ग्राउंड यहाँ से जाता है डायरेक्ट रॉकर में। तो ये चीज़ एकदम अच्छा से साफ़ करना होता है, ठीक है। तो मैं अभी इसको फिटिंग करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो मेन वायर है जो अंदर बॉडी में जा रहा है कॉयल में, जो बॉडी फील्ड कॉयल है उसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खांचा दिया हुआ है और ये जो है ये इसमें बैठता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक जगह दिया हुआ है इसको बैठने के लिए। तो ये जो है ये थोड़ा सा अंदर जा कर के ऐसे देखिए ये है ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर कवर को लगा देंगे, ये देखिए ये फिट हो गया। ये जो आपको जगह दिख रहा है खांचा, इसमें लॉक रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो लॉक आपको दिख रहा है ना, लॉक जो है उसके नीचे थोड़ा सा जगह रह गया, ठीक है। जो आर्मेचर का शाफ्ट होता है उसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जगह बच जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे एक वाशर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब वो थोड़ा सा बच गया, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लॉक लगाते हैं, ये जो लॉक है ये लॉक है, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए ये लॉक अगर हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा जो है जगह बच जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इस लॉक को हटा करके सबसे पहले एक वाशर लगा देंगे, क्योंकि जो इसका चाल है वो रुक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्टिंग के लिए अब देखिए अब इसको फिट किया जाएगा, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए जो लॉक का जो कैप है उसमें थोड़ा सा ग्रीस दे दिया जाएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पे अब ये दोनों बोल्ट लगेगा जो रॉकर को पकड़ कर रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाउसिंग का ये दोनों बोल्ट है, देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ बोल्ट है, ठीक है। ये जो है इसके ठीक ऊपर ये एक बोल्ट है, इसके नीचे भी वैसा है, ठीक है। ये दोनों हाउसिंग का बोल्ट है। तो इसमें अब हम सेट करेंगे वाशर और नट। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिटिंग होगा ये सोलेनोइड स्विच। ये देखिए ये जो है ये पिस्टन है, ठीक है, और ये रहता है इसमें, ये देखिए ये इसमें रहता है, ठीक है। और ये स्प्रिंग है जो इसको, ये देखिए, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया, ओके। और स्प्रिंग के बाद जो है रहता है ये देखिए ये रहता है, ओके। और ये जो है ये रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसको ऐसे रखना है, ओके। और ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है एक रबड़ आता है, ठीक है, ये देखिए ये रबड़ ऐसा रहेगा, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, चारों तरफ से। ये देखिए ये जा करके बैठ गया, ठीक है, ऐसा रहता है। और ये जो है अब अंदर जाएगा, देखिए ये हो गया, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ यहीं पे वो फ्रॉग ये रहता है, ठीक है। ये जब भी इसको अंदर खींचेगा, जब इसमें हम सेल्फ मारेंगे तो ये अंदर जाएगा, जो पिनियन है उसको बाहर कर देगा, ठीक है, वो बाहर कर देगा और मोटर घूमने लगेगा। ये देखिए ये है स्प्रिंग में जो है थोड़ा सा ग्रीस दे दिया जा रहा है, और इसमें भी ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना ये इसमें भी थोड़ा ग्रीस दिया जाएगा। बस ठीक हो गया, ये हो गया। और उसमें देखिए उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस दे दिया जाएगा, ग्रीस और ऑयल जो है वो भी थोड़ा सा दिया जाएगा, ये देखिए, ठीक है।
आप जो है सबसे पहले पिस्टन को फंसाया जाता है फ्रॉक में, ठीक है। अब ये जो वायर है इसको इस पोल में कनेक्शन किया जाएगा। अभी हम चलेंगे और इस जो मोटर को अभी चला करके देखा जाएगा बैटरी पे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये मोटर है, ठीक है, और देखिए इसका कनेक्शन हम कैसे, वही मोटर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं कनेक्शन कैसे किया हूँ, ये दो बैटरी है और पॉजिटिव निगेटिव उधर कनेक्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये निगेटिव है 24 वोल्ट का, और ये देखिए ये वायर लगा है दोनों जा करके रोकर में, ठीक है। ये देखिए रोकर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ओके। और ये देखिए ये जो पॉजिटिव है, ये देखिए ये डायरेक्ट लगा हुआ है यहाँ, ये देखिए ये पॉजिटिव में, ठीक है, ये पॉजिटिव है जो मोटा पोल होता है सोलेनोइड स्विच का वो है, ठीक है। और ये देखिए ये है इसका 10 नंबर, ठीक है, ये है इसमें। अगर अभी मैं इसको टच करूँगा ये वही वायर है, ठीक है, इसको मैं अगर इसमें टच करूँगा तो मोटर हमारा घूमेगा। तो अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, देखिए ठीक है, तो ये अच्छा है, ठीक है, सक्सेस हो गया।